हेलो फ्रेंड्स, आशल्स किचन में बन रहे यखनी मटन पुलाव। ये बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत ही सूदिंग फ्लेवर्स होते हैं इसके। एकदम गर्मियों में आप आराम से बना के खा सकते हो। बहुत जल्दी बन जाता है ये, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है और एक पॉट में ही बन जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करना, गर्मियों में भी अच्छे लगेंगे। रायता के साथ आप खा सकते हो। इसके लिए 500 ग्राम्स चावल लिए, तो 500 ग्राम्स मटन लेंगे। मटन को धो के कुकर में डाल देंगे, साथ में इसमें डालेंगे लहसुन प्याज और थोड़े से खड़े मसाले जैसे इलायची है, धनिया जरूर डालना है, सौंफ है, धनिया है, जीरा है, थोड़ी काली मिर्ची और छोटी इलायची डाल देंगे और इसको नमक डाल के 5-6 विसल बजाएंगे ताकि मटन अच्छे से गल जाए। फिर इसका निकाल के साइड में रख देंगे। मटन को गल जाने के बाद में पानी छान के और उसी कुकर में फिर रिफाइंड एंड देसी घी दोनों डालेंगे 1-1 चम्मच, और उसमें प्याज का बिरिस्ता बनाएंगे। जब प्याज का बिरिस्ता बन जाता है तो हाफ बिरिस्ता निकाल लेंगे इसको अलग कटोरी में गार्निश करने के लिए, और इसी में थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। दालचीनी सारे कैप्शन में लिख देंगे, और छोटी इलायची है, दालचीनी है, ये सब डाल के, और इसमें फिर मटन के पीसेस डालेंगे और मटन के पीसेस को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर, 2 मिनट कच्चापन खत्म होने तक भूनते हैं, और फिर 1 कटोरी दही डाल देंगे। दही बहुत खट्टी ना हो, और दही के डालने से ना इसमें एक लाल लाल अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है इसमें मटन में पूरा। और जब पानी इसका सूख जाए तो इसी में हरी मिर्ची और थोड़ा एक टमाटर काट के डाल देंगे, और जब तक भूनेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए, फिर इसमें चावल को पानी से निकाल लेंगे, भीगे हुए चावल को, और ये चावल डाल देंगे और चावल को भी 5 मिनट भूनेंगे। फिर ये जो मटन का यखनी बचा था ना, छान के रख लेंगे। उसके सारे गर्म मसाले वगैरह अलग कर देंगे, लहसुन जो डाला था वो अलग कर देंगे, और इसमें एक बार नमक टेस्ट कर लेंगे। और पानी का अंदाज आप देख लीजिएगा, 1 कटोरी में 1.5 कटोरी डालते हैं पानी, और उस हिसाब से डाल देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम कर देंगे। और दम करने के बाद में देखिए ये चावल कितने अच्छे गल गए ना, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गर्म मसालों की हल्की सी, और ये खाने में भी बहुत ही सूदिंग लगेगा आपको। इसको गार्निश कीजिए बिरिस्ता के साथ में और रायते के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी गर्मियों के दिनों के लिए ये लंच में खाइए, डिनर में खाइए, खिलाइए एंड एंजॉय।